आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। टोकखुर्द नगर में पार्षदों के परिणाम आते ही उनके समर्थकों द्वारा अपने अपने पार्षदों का जुलूस नगर में ढोल ताशे और डीजे के साथ निकाला गया, जिसका नगर में नगरवासियों ने पुष्पमाला पहनाकर और आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। वार्ड 1 से भाजपा प्रत्याशी सुनील मालवीय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सरजू भाई को 119 मतों से पराजित किया। वार्ड 2 से भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश गालोदिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हकीम मंसूरी को 18 मतों से पराजित किया। वार्ड 3 से निर्दलीय प्रत्याशी ठाकुर महेंद्र सिंह चावड़ा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बाबू हुसैन को 164 मतों से पराजित किया। वार्ड 4 में निर्दलीय प्रत्याशी महावीर सिंह चावड़ा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सोहरा पटेल को 56 मतों से पराजित किया। वार्ड 5 में निर्दलीय प्रत्याशी ममता दिलीप सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कृष्णा बाई हरिओम सिसोदिया को 256 मतों से पराजित किया। वार्ड 6 में निर्दलीय समीक्षा विनय श्रीवास्तव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रऊफ कुरैशी को 65 मतों से पराजित किया। वार्ड 7 पूर्व निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। वार्ड 8 में निर्दलीय अनिता महेंद्र सिंह चावड़ा ने सोनाली नितेश धाकड़ को 62 मतों से पराजित किया। वार्ड 9 में भाजपा की माधुरी प्रवीण गालोदिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रीना जितेंद्र गालोदिया को 47 मतों से पराजित किया। वार्ड 10 में निर्दलीय प्रत्याशी भूरे खां चांद खां कुरैशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हारून खां को 65 मतों से पराजित किया है। यहां पर 6 भाजपा के पार्षद हैं, 4 कांग्रेस समर्थित हैं और 5 निर्दलीय हैं, जिनमें अनिता महेंद्र सिंह चावड़ा निर्दलीय प्रत्याशी और उनका भाजपा में आना लगभग तय है। इसलिए नगरवासियों का मानना है कि नगर अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार अनिता महेंद्र सिंह चावड़ा ही होंगी। अब देखना यह है कि अध्यक्ष पद पर कौन काबिज होगा।